जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का आपने नाम सुना होगा, जो हिंदुस्तान के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। मोर देन 600 NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति आर अवेलेबल इन आर कंट्री। तो आपको मैं बता दूं कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए साल 2019-20 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, और इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन आया है और ये एडमिशन के लिए फॉर्म एप्लीकेशन जो आया है ये आज से शुरू है, यानी कि 13/5/2019 से शुरू है। इसकी अंतिम तिथि जो है ये है आपकी 10/6/2019 यानी कि 10 जून तक अंतिम तिथि है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और क्लास 10th जिन्होंने अच्छे तरीके से पास कर लिया है और उनके ठीक ठाक मार्क्स हैं, वो अपने मार्क्स बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और अपने ही स्टेट में उन्हें पढ़ना होगा। ये सब कुछ दिया हुआ है इनफैक्ट आपके लिए। और आप इसके लिए अप्लाई करने कहाँ जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम, वहीं चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो किसी भी सर्च इंजन पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए आप www.nvsadmissionclass11.in तो class11.in nvsadmissionclass11.in आप किसी भी सर्च इंजन में डालिएगा तो ये पेज खुलेगा आपके सामने, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय, आप देख रहे हैं ये साइन है इसका। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 11 2019-20 अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स, ओके, बिकॉज इट हैपन्स टू बी दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 11 दे यूज टू लीव द स्कूल, ठीक है, बिकॉज देयर करियर चॉइस, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डिफेंस फोर्सेस में जाना होता है, या किसी को स्कूल चेंज करने की जरूरत होती है, तो दैट इज वाई दे लीव। और इस तरह का जो विद्यालय है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज है, ऑल राइट, और बहुत बढ़िया एजुकेशन है, CBSE करिकुलम है हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है लगभग। तो जिन स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करना होगा तो दे कैन क्लिक ओवर हेयर, कैंडिडेट्स टू क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन फेज वन, सो यू विल बी क्लिकिंग ओवर हेयर एंड दिस वुड बी ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी फॉर्मेलिटी यहाँ पे भरेंगे, फिर सबमिट करेंगे तो फर्दर रजिस्ट्रेशन फॉर फेज टू जाएंगे, बाकी आप अपने फोटोग्राफ्स, क्लास 10th के मार्क्स और ये सब चीज़ें लगाएंगे। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जिस बेसिस पे आपका एडमिशन दिया जाएगा। ये साफ साफ ही आज के ही सूत्र के मुताबिक, इनफैक्ट द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली के न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित है, और आपको हमने दिखाया वेबसाइट जो ओरिजिनल वेबसाइट है इसकी NVS की, उस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जनरल फीचर्स फॉर नवोदय आपको पता ही है, बहुत अच्छा विद्यालय है ये, विश्व नहीं विद्यालय है। बेस्ट रिजल्ट इन JEE मेन, और आपको मैं बता दूं कि इस साल जो JEE का रिजल्ट आया है उसमें 38% 11,733 स्टूडेंट्स जो नवोदय विद्यालय समिति के पढ़ने वाले हैं उनसे सेलेक्ट हुए हैं, आपको मैं बता दूं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 38% ऑफ द JNVs स्टूडेंट्स दे हैव बीन क्वालिफाइड फॉर JEE मेन्स, ओके, 873 एंड 8407 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन JEE एडवांस एज वेल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत उमदा बातें हैं। इनफैक्ट आपको इस स्पेशली विद्यालय के बारे में बताऊं तो क्राइटेरिया क्या है इस साल क्लास 11th के लिए, आपको मैं बता दूं कि एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन क्लास 11th ऑन दिस बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2018-19। एक बात है कि इसी साल आप पास किए हुए होने चाहिए क्लास 10th और अच्छे मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में आपके, सब्जेक्ट टू एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ नवोदय विद्यालय समिति सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन एज पर द फॉलोइंग स्टेप्स। आ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड द स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज। तो आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में लगभग नवोदय विद्यालय है सभी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसमें होगा क्या कि आपकी जितनी मेरिट होगी, जितने मार्क्स होंगे क्लास 10th में, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और फाइनली जो है आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द JNV ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अ कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट द स्टेट लेवल। और फाइनली हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद
उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनके मेरिट पे बेसिस पे एक अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और तब फाइनल लिस्ट रिलीज की जाएगी उनके स्टेट वाइज। ओके, तो ये थी आपकी जानकारी। एलिजिबिलिटी क्या होगी ये भी आप जान लीजिए। स्टडीड क्लास 10th इन एकेडमिक सेशन 2018-19 इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। आपने उसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वेयर JNV इज फंक्शनिंग एंड टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन। अगली बात है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो 1 जून 2001 से लेकर के 31 मई 2005 के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव है। उससे एक दिन अगर पीछे हो जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अगर 2005 31 मई से 1 जून हो गया तो भी एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। तो ये बातें थी, कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगभग मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम द होल कंट्री हैव पास्ड दिस ईयर क्लास 10th एग्जामिनेशन। और उसके अलावा स्टेट बोर्ड को तो और भी ले लीजिए, स्टेट बोर्ड से और भी बच्चे पास हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे कई लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, अगर नंबर में टोटल ओवरऑल पूरे इंडिया के का इंक्लूड करूँ तो मोर देन 50 लाख वुड बी। ओके, तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस हिस्सा नवोदय विद्यालय समिति का हिस्सा बन सके अगर उनके अच्छे परसेंटेज हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एक बात और बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट करियर काउंसलिंग और टीचिंग संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें महामना एजुकेशन हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग यंग।